हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ सीधे मोटो ब्लॉग। इतना टाइम नहीं जो ब्लॉग स्टार्ट कर सके मस्त करके, बिकॉज हमें जाना है भानिज के घर, जो यहाँ से लगभग 40 से 50 किलोमीटर है। घर से निकल चुके हैं यहाँ से ऑफ रोडिंग, तो नीचे से यहाँ की मेन रोड जो है उस पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से हम आराम से जल्दी जल्दी निकल लेंगे। तो हमें जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा रास्ता जंगल का रास्ता है, तो पूरे जानवरों का डर रहता है। पहुँचने वाले बंदों को लगभग 20 किलोमीटर हम आ चुके हैं। हम पतलोड से निकल चुके हैं और हमें साथ मिल गया वहीं तक का, तो भाई लोग रास्ते में मिल गए तो अब साथ साथ जाने के लिए सही हो गया, क्योंकि जंगल का रास्ता था तो अकेले डर लगती थी, तो भाई जानवर आते हैं बहुत खतरनाक। तो अब सही हो गया तो साथ साथ चल देंगे सभी भाई लोग। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, तो यहां से लगभग 2 किलोमीटर है, तो उसके बाद हम पहुंच जाएंगे गांव में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय सेम एपिसोड। सो गाइस, कल रात पहुंचे थे हम, तो ब्लॉग भी शूट नहीं किया। तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं एंड हम जा रहे हैं नेटवर्क सर्च करने, क्योंकि यहाँ कोई नेटवर्किंग नहीं है तो ओनली BSNL आता है। तो यहाँ भानिज बता रहे हैं कि कहीं पर जियो या आइडिया पकड़ता है, तो देखते हैं तो कहीं पर है तो, क्योंकि यहाँ तो बहुत खतरनाक सीन हो रखा है, तो ब्लॉग शूट नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम 3 लोग जा रहे हैं, तो 2 भानिज एंड में, तो अभी देखते हैं कहीं पर नेटवर्क आते हैं तो वीडियो भी अपलोड करनी है। रोड के हालात तो सभी जगह आप देख ही रहे हो, तो बिल्कुल झाड़ी झाड़ी हो रही है, गाड़ी जाने के लिए बहुत कम जगह है, तो 4-व्हीलर पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी, क्योंकि 2-व्हीलर पे ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अभी देखते हैं कहीं पर सर्च करते हैं, अगर नेटवर्क मिलते हैं तो। हमें लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर BSNL का टावर तो है, बट देखते कहाँ से जाना है, रोकना है। तो यहाँ पर हम करते हैं गाड़ी पार्क एंड ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ से करते हैं मस्त सब ब्लॉग अपलोड। एंड हमें ऊपर चढ़ना है वहाँ पर पहाड़ में, बट BSNL की नेटवर्किंग है यहाँ पर, तो आइडिया या जियो या एयरटेल कुछ भी नहीं है, थोड़ा ऊपर तक हमें चढ़ना तो पड़ेगा। कैप वैप सब पहन ली मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पर। आपको रास्ता दिखा रहा हूँ तो इस तरह, एंड यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा झाड़ियाँ, बट रिस्क है क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा है इधर, तो काम कर रहे हैं तो यार मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो चले आए हम जंगल में ही वीडियो अपलोड करने, तो क्या करें, तो सपोर्ट करना क्योंकि इतना रिस्क ले रहे हैं, तो यार काम करना है तो फिर यार समझ सकते हो। तो ये जो कांटे वाली झाड़ी होती है ना, बहुत ख़तरनाक होती है, तो जिससे कपड़े पूरे फट फट जाते हैं। नेटवर्क सर्च करने कहाँ तक पहुँच गए देख सकते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरह है, पूरा जंगल जंगल एरिया, बट नेटवर्क स्पीड नहीं आ रही है तो अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। तो ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर घर को निकलना पड़ेगा। तो आधा घंटा लगभग हो चुका है, हमें घंटे से वेट कर रहे थे, हमने सोचा कहीं पर सर्च करते हैं अच्छा खासा नेट चल सके, जहाँ पर अच्छे से स्पीड आ सके। तो 1-2 MB भी आती तो चल जाता, बट कहीं पर हो नहीं पा रहा है ऐसा। तो देखते हैं अभी थोड़ा आगे तक और जाते हैं, फुल कोशिश करी हमने बट हो नहीं पा रहा है। तो स्पीड वही 100 KB 150 KB आ रही है, तो पॉसिबल नहीं है। पहुंच चुके हैं रोड में, तो यार फुल कोशिश करी बट वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, क्योंकि नेटवर्क की स्पीड नहीं थी, तो इसलिए हमने कहा भाई चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि 100-150 KB की स्पीड चल रही थी, तो इससे पॉसिबल नहीं है वीडियो अपलोड करना, जिसमें पूरा दिन लग जाएगा, तो इसलिए हमने कहा भाई निकल लेते हैं। तो कल को करेंगे आप मस्त अपने घर जाके, तो यहाँ पर नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें कल निकलना पड़ेगा मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में निकलते ही वीडियो अपलोड कर लेंगे, और यहाँ से फिलहाल हम चलते हैं। तो रोड में आ चुके हैं, तो ये ठंडे से ये बिना चाबी के ड्राइवर, तो फिलहाल हम चलते हैं यहाँ से और रास्ते में मिलते हैं आपको मस्त मस्त व्यू के साथ। तो गाइज, अब हम जा रहे हैं वापस घर को, क्योंकि बड़ी उम्मीद लेके गए थे और स्पीड नहीं आई, तो क्या कर सकते हैं उसमें हम।